तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज की कहानी इस पिलजर आउटपोस्ट से स्टार्ट होती है, लेकिन ये कोई मामूली पिलजर आउटपोस्ट नहीं है। इस आउटपोस्ट के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। तो भाई साहब, मैं आज ही पैदा हुआ हूँ। वैसे लगता तो नहीं हूँ कि मैं आज ही पैदा हूँ, लेकिन मेरी बात मान लो, मैं आज ही पैदा हुआ हूँ। यार मैं कितना क्यूट लगता हूँ यार, छोटा सा पिलेजर देखो ना यार, कितना क्यूट लग रहा हूँ। लेकिन 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 हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा पहला साल है और हमारा पहला मिशन हम लोग को मिल चुका है। क्योंकि यहाँ पर मेरे अभी पापा जी शापा जी, अबे भाई मैं कितना तेज हूँ यार। वैसे होना तो मुझे स्लो चाहिए क्योंकि मैं बच्चा हूँ, लेकिन मैं काफी तेज हूँ। तो भाई हमारी आउटपोस्ट पूरी की पूरी खाली है। ओके इसे ओ भाई ये तो ऊपर पर हमला कर रहा है यार। लेकिन मेरे पापा जी ने बोला था कि ये हम लोग भाई भाई होते हैं तो हम लोग को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी मेरे ऊपर हमला कर ले और मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है यार। ठहरो इसमें देखता हूँ। अरे भाई बो एन एरो मिल गया। ओके अब मैं इसकी ऐसी की तैसी फेरता हूँ। ठहर बेटा इधर आ जरा, तू ना मेरे ऊपर हमला कर रहा है, बच्चे को केला देख के हमला कर रहा है मेरे ऊपर। तेरी ऐसी की दोबारा मार। ओके ओ भाई ये मर गया। ओके 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 और मेरे पास पावर्स भी आ चुकी है अजीबो गरीब किस्म की। भाई मैं आपको बता नहीं सकता ये क्या पावर है, लेकिन समझो। ओके तो भाई अभी सीन ये है कि मेरे पापा जी मुझे ना अकेला छोड़ के चले गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट की आउटपोस्ट की रखवाली करनी है, ठीक है। वो सब लोग जो है ना वो एक विलेज के ऊपर हमला करने गए हैं, अभी मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस आउटपोस्ट की रखवाली करनी है। ओके ओके अभी भाई हर तरफ यही है और ये मुझे मारी जा रहे हैं, तो जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते ना, मुझे सिर्फ इसकी रखवाली करनी है। ओके गुड, मर गया, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। तो भाई साहब हमारा पहला मिशन जो है वो तो बहुत ही अच्छी तरीके के साथ सक्सेसफुल हो चुका है। मेरे पापा जी भी वापस आ गए हैं, उन्होंने मेरी तारीफ भी की है कि भाई मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बेस डिफेंड की है। लेकिन अब हम लोगों को एक और मिशन मिल चुका है। वो मिशन क्या है? वो मिशन ये है कि हम लोगों को अपने आसपास ढूंढना है कि आसपास दूसरा विलेज किधर है। एक तो विलेज वो लूट आए हैं, अब हम लोगों को देखना है कि दूसरा विलेज किस तरफ है। और हम लोगों को एक और भी काम करना है, चुप चुपीते से बगैर किसी विलेजर से फाइट किए हम लोगों को वहां से फूड चुरा के लानी है। यस गाइस, फूड लेके आना है और किसी को नजर भी नहीं आना है, और ऊपर से रात भी हो रही है। तो भाई ये वाला मिशन थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग इसको भी करेंगे। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। तो भाई साहब हम लोगों को काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग तेज तो हैं लेकिन मेरे पास हथियार बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो एरोज ही हैं, और हम लोगों को काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन हम जाते हुए रस्ते में अपनी क्राफ्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोगों का टाइम वेस्ट होगा क्योंकि रात ज्यादा हो जाएगी और ये ना हो कि हम लोग कहीं गुम हो जाए। मुझे रास्ता भी याद रखना है वापस जाने का, फिर मुझे बचाने के लिए पापा को आना पड़ेगा और फिर वो जो है ना बहुत ज्यादा नाराज होंगे। इसलिए अब हम लोग चलते हैं और आसपास देखते हैं कि विलेज किधर है। भाई साहब लेट्स गो। तो भाई मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक जो है ना वो विलेज मिला नहीं है यार, और आसपास क्रीपर्स और ढेर सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा वरना मैं कभी भी विलेज को नहीं ढूंढ पाऊंगा यार। ओ शिट, अरे यार मैं क्या करूं भाई, मुझे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं किस तरफ चलूं। ठहरो इस तरफ चांद की तरफ चल के देखते हैं शायद चांद के किनारे हम लोग को कहीं पे को विलेज मिल जाए। तो भाई साहब काफी देर से यहाँ पर सफर करने के बाद मुझे आखिरकार विलेज मिल ही चुका है, लेकिन भाई मुझे लगता है क्रीपर है। अरे भाई क्रीपर आ गया। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, फटीना, अगर क्रीपर फट गया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। ओ शिट, मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा यार, क्रीपर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि भाई किसी विलेजर को मैं नजर आ जाऊं। ओके ओके मुझे छुप के जाना पड़ेगा। ओके मुझे खाना चुराना है। ओके 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 भाई साहब, वो भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं मुझे यहां पे पकड़ा ही ना जाऊं, ऊपर से बारिश भी शुरू होगी। अरे दो क्रीपर इकट्ठे यार, शिट। ओ भाई साहब मुझे कुछ समझ नहीं लग रही है, मुझे खाना भी नहीं मिल रहा है यार। अरे यार यहां पे खाना कहीं पर होना चाहिए यार, ठहरो मैं देखता हूं। अरे भाई वहाँ पे स्केलेटन है भाई, यहाँ पे विलेजर्स तो सारे सोए में हैं, लेकिन खाना नहीं मिल रहा यार मुझे। ओके भाई साहब, तो फाइनली मुझे इस घर में खाना तो मिल गया, लेकिन भाई ये विलेजर अंदर आ गया और भाई मुझे अब इसको हाथों से ही मारना पड़ेगा। ओ शुक्र है भाई साहब, इस विलेजर को मैंने मार दिया है, तो ये भाई काफी बड़ा घर है, यहाँ पर मुझे खाना मिलना चाहिए भाई, इसके अंदर खाना। ओ भाई लुक एट दिस, मुझे खाना मिल चुका है भाई, ढेर सारा खाना मिला है, लकड़ी भी मिली है, ये सारा कुछ मैं ले लेता हूँ भाई साहब, फादर खुश ही होंगे भाई, और उन्होंने क्या कहना है। ओके गुड, अब हम लोग को यहाँ से निकलना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं होने का वेट कर लूं, ताकि सुबह होने तक जो है ना ये सारे के सारे क्रीचर बाहर वाले मर जाएं और मैं इजीली यहां से भाग सकूं। तो यस हम लोग यही करेंगे कि हम लोग सुबह होने का वेट करेंगे, और अब हम लोग को खाना तो मिल चुका है, अब हम लोग को सिर्फ भागना है यहां से। ओके भाई साहब सुबह तो हो गई है, लेकिन भाई साहब अभी ये ज़ॉम्बीज जो है ना ये मेरे घर के सामने ही खड़े हैं, तो मुझे निकलने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ओ यस, मैं ये इस खिड़की के जरिए निकल सकता हूँ ना? अरे हाँ मैं छोटा सा तो हूँ, तो मैं इस खिड़की के जरिए इजीली निकल सकता हूँ भाई साहब, लुक एट दिस। अरे भाई नहीं निकल सकता क्या?
अरे भाई नहीं निकल सकता क्या? अरे मेरे ख्याल से मैं निकल सकता हूँ यार। ओके 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 ओके, ठहरो ठहरो, फर्स्ट पर्सन में जाके देखते हैं। एंड अरे यार नहीं निकला जा रहा है यार, हम लोग इस खिड़की से नहीं निकल सकते यार। अरे शिट यार। ओके भाई सब निकल आए। ओ भाई निकल आए निकल आए निकल आए, हम इस खिड़की से निकल चुके हैं। ओके ओके, हर तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं। ओके 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 भाई सब, हम लोग को निकलना है, अब हम लोग को यहाँ से निकलना है इससे पहले कि कोई विलेजर हम लोग को देख ले। हम लोग को भागना है यहाँ से, लेट्स गो लेट्स गो। और अपने फादर को जाके खाना देते हैं, बापूजी खुश होंगे यार। तो भाई साहब फाइनली मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ, मैं नहा धो के फ्रेश भी हो चुका हूँ, मैंने अपना खाना जो है बापूजी को दे दिया है और उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी। पहला मिशन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था यार हमारा, बहुत ही अच्छा हुआ। ओके अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है और अब हम लोग चिल करेंगे। यस गाइस लेट्स गो। तो भाई साहब मैं फाइनली 15 साल का हो चुका हूँ और भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पिलेजर्स का एक रूल होता है, जब तक आप 15 साल के नहीं होते ना तब तक आपको माइनिंग अलाउ नहीं होती क्योंकि माइनिंग बहुत डेंजरस होती है, तो आप लोग फंस भी सकते हो माइन के अंदर। लेकिन फाइनली अब मैं माइनिंग कर सकता हूँ बिकॉज मैं 15 साल का हो चुका हूँ। तो भाई अब हम लोग जल्दी से जाके माइनिंग के लिए टूल्स बनाएंगे और अब हम लोग निकलेंगे माइनिंग के लिए और आज हम लोग डायमंड्स ढूंढ के लाएंगे और बापू जी को मजीद खुश करने वाले हैं, लेट्स गो। तो भाई साहब फाइनली बस स्टोन के तीनों टूल्स आ चुके हैं भाई, जो मेरे दूसरे स्टिक्स के टूल्स थे मतलब वुड के, वो बाहर फेंक आया हूं। तो अब हम लोग अपनी माइन के अंदर तैयार है, अब हम लोग को यहाँ से जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ से नीचे जाऊं ताकि हम लोग जो है ना वो आयरन लेवल तक जाएं और उसके बाद डायमंड्स लेवल पे। यस गाइस लेट्स गो बॉयज लेट्स गो। भाई साहब लुक एट दिस, भाई मैं इस बड़ी सी गुफा के अंदर आके फंसा हूं और यहाँ पर मुझे ढेर सारा आयरन भी नजर आ रहा है, तो अब हम लोग जल्दी से आयरन के टूल्स भी बना लेंगे और उम्मीद है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी मिल जाएगा जिससे अब हम लोग डायमंड लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन यार ये बहुत ही बड़ी गुफा है यार। अरे भाई कोल भी मिल गया, वाह भाई वाह, लुक एट दिस। ठहरो मैं देखूं मैं कौन से नंबर पे हूं। अरे भाई मैं 14 नंबर पे हूं, यानी कि हम ऑलरेडी डायमंड लेवल्स पर आ चुके हैं, तो भाई हम लोगों को यहां पर डायमंड्स भी मिल सकते हैं। ओके मुझे यहां पर कुछ चीज नजर आई है, होप के क्रीपर ना हो। ओके गुड गुड गुड, क्रीपर नहीं है। तो भाई लेट्स गो लेट्स गेट ऑल ऑफ दिस कोल एंड लेट्स गो बॉयज लेट्स गो। तो भाई साहब लुक एट दिस, हम लोगों को डायमंड्स मिल चुके हैं। भाई साहब कितनी जल्दी डायमंड्स मिल गए हम लोगों को, है ना। लेकिन अभी हम लोगों को जो है ना वो अपना वो हम लोगों को बनाना है आयरन पिक, बिकॉज आयरन पिक के बगैर ना, अरे भाई साहब मेरे पास कॉबलस्टोन कम तो नहीं है क्या? अरे भाई आयरन पिक के बगैर हम लोग जो है ना वो डायमंड्स को पिक नहीं कर सकते, तो हम लोग को आयरन पिक चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद आयरन को स्मेल्ट करेंगे और जो ही स्मेल्ट होगा तो हम लोग डायमंड्स निकाल लेंगे यहाँ से। तो भाई सब फाइनली हम लोग अपनी लाइफ का पहला डायमंड हासिल कर चुके हैं। भाई सब लुक एट दिस, अरे यार इतने सारे डायमंड्स यार, मैं बहुत अच्छे से सोचा था कि कब मैं 15 साल का होऊंगा तो कब मैं जाके डायमंड्स दे सकूंगा, लेकिन अब हमारे पास ढेर सारे डायमंड्स आ चुके हैं, अब हम लोग वापस भी जा सकते हैं और बापू जी को जाके डायमंड्स देंगे तो बापू जी तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। गाइस सो लेट्स गो, अब हम लोग चलते हैं टॉप पे, लेट्स गो। तो भाई साहब फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं, अब हम लोग अपनी सारी की सारी चीजें यहाँ पे रख देंगे ताकि भाई कोई चुराए ना हमारी चीजें, और मैं साथ ही डायमंड्स भी यहाँ पे रख देता हूँ ताकि जब बापू जी आके देखें कि भाई लड़के के पास तो डायमंड्स हैं और लड़के ने यहाँ पर रख भी दिए हैं तो बापू जी तो खुशी से दोगले हो जाएंगे। भाई दोगले नहीं दुबले हो जाएंगे भाई, सो लेट्स गो लेट्स गो। तो भाई साहब फाइनली मैं 30 साल का हो चुका हूँ और अब मैं मुकम्मल किस्म का पिलेजर बन चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा बैठने का स्टाइल भी चेंज हो चुका है, अब मैं मुकम्मल पिलेजर में कन्वर्ट हो चुका हूँ भाई, और अब ऑफिशियली मैं पिलेजर क्लैन का हिस्सा बन चुका हूँ। चलिए आइए आप लोगों को मैं अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, ये है संता बंता, ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं लेकिन कभी कभी मैं इनको ऐसे प्यार से मार भी लेता हूँ और ये ऐसे प्यार से मुझे मार देते हैं, तो ये हमारा आपस में प्यार है। और मेरे ख्याल से मैंने गलत बंदों को छेड़ दिया है तो भागना पड़ेगा यहाँ से। ठहरो मैं आप लोगों को और लोगों से मिलवाता हूँ, ठहरो ठहरो ठहरो। ओके ये है मेरे दो अच्छे अच्छे दोस्त, मेरे ढेर सारे दोस्त हैं। ठहरो मैं आप लोगों को दोस्तों को छोड़ो, मैं आप लोगों को अपने डैडी जी से मिलवाता हूँ। अरे डैडी जी किधर हो? अरे डैडी जी इधर आओ ना। अरे भाई डैडी जी वेयर आर यू? अरे डैडी जी यार, अरे डैडी जी एक तो नजर ही नहीं आते यार यहाँ। अरे 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 डैडी जी कैसे हैं यार? डैडी जी इनसे मिले यार, ये मेरे यूट्यूब के दोस्त हैं सारे। अच्छा नहीं मिलना, अच्छा ठीक है ना मिले तो भाई मेरे डैडी जी का मूड ऐसा ही है, ये कभी कभी किसी को मिलते हैं और कभी कभी नहीं मिलते, ठीक है। तो भाई अब आज हम लोग अपने सबसे पहले रेड में जाने वाले हैं, आज हम अपना पहला विलेज रेड करने वाले हैं। यस गाइस हर प्लेजर की जिंदगी के अंदर ये स्पेशल मोमेंट होता है जब अपनी जिंदगी का पहला रेड करता है, ठीक है। तो आज हम लोग अब चलेंगे और जाके रेड करेंगे, लेकिन उससे पहले पेट पूजा हो जाए यार क्योंकि भूख लग रही है यार, लेट्स गो। तो भाई साहब हम लोग फाइनली विलेज के अंदर आ चुके हैं, तो भाई अब हम लोग यहाँ पर रेड करना स्टार्ट करने वाले हैं। अरे विलेजर बेटे किधर जा रहा है? इधर आना। अरे भाई विलेजर किधर भाग रहा है यार? बेटे बेटे यहाँ पे आओ, बेटे बेटे तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ भाई। अच्छा तुम लोग इसको मारो, मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ कि गोलम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर गोलम हुआ तो भाई हम लोग को उससे खतरा होने वाला है। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं इस तरफ चल के देखता हूँ कि कहीं पे गोलम तो नहीं है। अरे यार गोलम 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 वेयर आर यू, गोलम वेयर आर यू,
ओके, गोलम वहां पे मुझे नजर आ गया है, तो भाई गोलम को मारने के लिए ना मुझे ना मेरे ग्रैंड फादर ने ना अरे भाई ओ भाई ग्रैंड फादर की ऐसी की तैसी हो गई भाई, गोलम ने ऐसी की तैसी फेर दी। ओ माय गॉड शिट यार। तो भाई हम लोगों की पहली रेड ही जो है वो अनसक्सेसफुल रह गई यार। अरे मेरे पिताजी क्या सोचेंगे यार। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ पर अकेले हैं, दोबारा रिस्पॉन्स तो हो गए हैं, लेकिन अब हम अपने दुखों के साथ अकेले भटकते रहेंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं यार, लेट्स चिल। तो भाई साहब मैं 50 साल का तो हो गया हूँ, लेकिन अभी भी यार एक सादा पिलेजर हूँ यार। जब तक मैं एक रेवेंजर को नहीं ना मार लेता, तब तक भाई मुझे जो है ना लेजेंडरी स्टेटस नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई ये जो रेवेंजर्स होते हैं ना, ये भी पिलेजर्स की रिस्पेक्ट तब करते हैं जब किसी ना किसी एक रेवेंजर को मारा जाए, ताकि दूसरे जो है वो शांत रहे। और हर एक पिलेजर का टेस्ट होता है कि अगर वो रेवेंजर को मार दे तो वो लेजेंडरी पिलेजर बन जाता है, वरना वो सादा पिलेजर रह जाता है। तो भाई आज मैं ट्राई करने वाला हूँ एक रेवेंजर को मारने की। अगर तो मैंने रेवेंजर को मार दिया तो यहाँ पर मेरे नाम का भी पुतला लगेगा, मेरे मतलब पोस्टर लगेगा। जैसे कि आप ये पोस्टर देख रहे हैं ना, ये उन लेजेंडरी पिलेजर्स के हैं जिन पिलेजर्स ने रेवेंजर्स को मारा है। तो भाई आज रेवेंजर के साथ मेरा मुकाबला है। तो भाई ऐसे नहीं मैं मारने वाला रेवेंजर को। रेवेंजर को मारने के ना कुछ तरीकेकार होते हैं जो कि भाई मुझे मेरे बड़ों ने सिखाए थे। तो उनको मारने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को हाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे खड़े रहकर मारे तो हमारी ऐसी की तैसी फिर जाएगी भाई। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी हाइट के ऊपर। ठहरो, किधर है बेटे रेवेंजर? अरे ये वाला जो है ना, इसको टारगेट करते हैं। ओके, अब हम लोगों ने मार दिया है, अभी हमारी तरफ आएगा और छलांगे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग ऊपर हैं तो इसलिए हम लोग को मार नहीं सकेगा। तो भाई हम लोग को काफी इजी है मारना यहाँ पर, तो ट्राई करते हैं। पता नहीं कितने एरोज ये लेगा, लेकिन मार जाएगा इजीली। ओके भाई, तो मेरा पैर स्लैप हुआ और मैं नीचे गिर चुका, और भाई रेवेंजर मेरे पीछे लग चुका है। ओ माय गॉड, अब मुझे भागना पड़ेगा भाई, मेरा पाव स्लिप हो चुका है यार। शिट, ये क्या हुआ? अरे आ रहा है क्या? रुक गया। अरे भाई ये तो रुक गया। ओके, हम इसको यहाँ पे अटैक कर सकते हैं यार, ये तो रुक गया। अरे भाई रेवेंजर तू क्या कर रहा है? अबे भाई तू क्या कर रहा है? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? अरे ओ शिट। ओके, इसको पानी में फंसाते हैं, लेकिन ये फंसने वाला है नहीं। ओ माय गॉड, 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 ओ मा
देता हूँ। ओके 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 ओके, आजा बेटा आजा, इसको मैं इसमें गिराता हूँ। ओ माय गॉड, मैं खुद गिर गया। ओ भाई साहब, शिट यार, मैं रेविजर से मर गया यार। लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग रिस्पॉन होंगे, बस एक चांस अभी भी है। हर बंदे को दो चांस मिलते हैं यार, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। हर बंदे को दो चांस मिलते हैं, बस एक चांस और है। हम लोग जाके अपना सामान वापस लेंगे और इस रेविजर को मारेंगे। लेट्स गो लेट्स गो मेरे बेटे रेविजर, तुम मेरे से बच नहीं सकता। ओके 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 ओके, तू मेरा शिकार है। कहाँ तक जाएगा तू, कहाँ तक भागेगा बेटे? ओके 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 बेटे, तू कहाँ तक भागेगा? बेटे तू कहाँ तक भागेगा? अंदर गिर। ओ मैं नहीं गिरा। अरे शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ नहीं गिरा भाई, ये नहीं गिरा उसके अंदर यार। ये क्या बगैरती है यार। अरे भाई बहुत स्ट्रांग रेविजर है यार ये तो। अबे भाई पागल हो रहा है, देखो कैसे। ओके शिट, भाग 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 बना रहा, भाग। ओके भाग। ओ भाई मेरे पीछे पड़ चुका है। अरे भाई ये रेविजर मेरे पीछे पड़ चुका है। ओके ओके रेविजर बेटे, तू कब तक भागेगा? अरे भाई तू कब तक भागेगा? और ये मार दिया, दैट इज इट। ऐसे मारते हैं भाई, ऐसे मारते हैं रेविजर को। अब मैं जाके ये सैडल देता हूँ बापू जी को, उनसे पता चल जाएगा कि मैंने भाई रेविजर को मार दिया है। और अब फाइनली मेरा पुतला भी इस वाली जो आउटपोस्ट है इसके ऊपर लगेगा। यार आई एम अ लेजेंडरी पिलेजर नाउ। अब मैं आम पिलेजर नहीं रहा, अब मैं लेजेंडरी पिलेजर बन चुका हूँ। यस गाइज, अरे बापू जी किधर है? बापू जी वेयर आर यू? अरे यार बापू जी किधर चले गए यार? बापू जी मेरे पास बहुत ही ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज है यार, मुझे आपको देनी है यार। अरे बापू जी मिल क्यों नहीं रहे यार मुझे? लेट्स सी, ठहरो ठहरो, बापू जी किधर हो? अरे बापू जी, अरे यार बापू जी तो है ही नहीं यार, बापू जी गायब हो गए यार। चलो कोई बात नहीं, जब बापू जी आएंगे तो भाई मैं उनको जो है अपनी ये न्यूज दे दूंगा। पता नहीं कहाँ गया, मेरे ख्याल से किसी विलेज को रेड शेड करने गए होंगे। एक रेविजर भी ले गए हैं वो, यस विली जी रेड करने गए हैं एक रेविजर लेके, ठीक है। तो भाई यस आई एम अ लेजेंडरी पिलेजर नाउ, अब तुम लोग मेरे से बच के रहो यार। आई एम अ रेवन नहीं लेजेंड। तो भाई साहब अब मैं तकरीबन 80 साल का हो चुका हूँ और यार मैंने एक पिलेजर अपनी जिंदगी के अंदर जो जो कुछ अचीव कर सकता था कर लिया है। एक विलेज भी कॉन्कर कर लिया है और इस विलेज के अंदर इस टाइम मैं खड़ा हूँ। ये विलेज आपके भाई ने सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर कॉन्कर किया है, इसमें किसी और का दाखिला मना है। और आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरे दो बच्चे हैं यार, ये बहुत ही ज़्यादा शरारतें करते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे बंद कर दिया यार। अच्छा यार चलो इनको छोड़ देता हूँ यार, आखिरकार अब मैं मरने वाला हूँ, ये क्या याद रखेंगे कि इसका इनका बाप कैसा था। चलो जाओ, तुम लोगों को आज़ाद किया यार,
चलो संता बंता, मैंने इनका नाम अपने दोस्तों के नाम पे रखा है जो कि बहुत ही अच्छे थे, जो कि मुझे बचाते हुए मारे गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छे वॉरियर्स बनेंगे दोनों एक दिन, ठीक है। इनको अभी से ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। लेकिन अब यार मेरे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुका हूँ जो कि एक अच्छा पिलेजर अपनी जिंदगी में करना चाहता है। लेकिन यार मैं अच्छा पिलेजर रहना नहीं ना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं एक लेजेंडरी पिलेजर बन जाऊं। एक ऐसा पिलेजर जो कि आज तक किसी ने ना देखा है, ना ऐसा पिलेजर कभी कोई आएगा। यार मैं चाहता हूं कि मैं पिलेजर्स को ना आजादी दिलवा दूं, क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि पिलेजर्स को लोगों को मार मार के जिंदा रहना पड़ता है। कभी कोई स्टीव आके मार देता है, कभी कोई एलेक्स आके मार देता है, समझ देती है या देता है, जो भी है यार, पता नहीं लड़की है या लड़का है, तो भाई समझ नहीं लगती यार क्या करे। और ऊपर से यार एक तो मॉब्स इतने हैं इस दुनिया के अंदर। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सारे पिलेजर्स को इकट्ठा करूं, उनको एक स्पेसशिप में बिठाऊं और उनको इस प्लेनेट से दूर किसी और प्लेनेट के ऊपर ले जाऊं, ठीक है। ये काम करने के लिए मुझे टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अजीम पिलेजर बन जाऊं। तो भाई इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है जो कि ना रशिया से ना साइंस सीख के आया है, जो कि साइंटिस्ट है यार, उसको भी मैंने यहां पर लगाया हुआ है। अभी वो ना यहां पर लाइब्रेरी के अंदर ना, ठहरो, अरे यार ये तो गार्ड है यार, ये तो गार्ड है उसका, ये वो नहीं है। अरे भाई मेरा किधर गया रशिया का दोस्त, मेरे ख्याल से वो ऊपर चला गया। ठहरो, अरे हाँ ये रहा, ये रशियन साइंटिस्ट है, ये रशिया से यहाँ पर रिसर्च के लिए मैंने बुलाया है। ये यहाँ पर किताबें शिताबें पढ़ के ना कोई तरीकाकार निकाल रहे हैं जिससे हम लोग ना इस प्लेनेट को छोड़ के जा सकें। तो भाई अब देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई साहब अब मैं 99 साल का हो चुका हूँ, अब ऑलमोस्ट मौत के करीब हूँ, लेकिन मैंने कर दिखाया। 20 साल लग गए मुझे, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैंने अपने सारे पिलेजर्स को इकट्ठा करके इस स्पेसशिप में बिठा दिया है और ये स्पेसशिप सीधा स्पेस के उस प्लेनेट में जाएगी जहाँ पर हम लोग खुशी के साथ रह सकेंगे, जहाँ पर हमें कोई स्टीव अटैक नहीं करेगा, जहाँ पर मॉन्स्टर्स भी नहीं होंगे और जहाँ पर हम लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने को मिलेगी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस मकसद के पीछे, लेकिन अब मेरी पूरी कौम, सारे पिलेजर्स खुशी के साथ रह सकेंगे और मुझे याद रखेंगे। तो ये है गुड बाय, ये रॉकेट अब लॉन्च होगा और स्पेस में जाएगा और मेरे सारे लोग खुशी से रहेंगे, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरी दुनिया है। मैं यहाँ पर पैदा हुआ था इन शीप्स के दरमियान में और यहीं पे मरूंगा इन्हीं शीप्स के दरमियान में। और अब मैं गुड बाय कहता हूँ, गुड बाय दोस्तों, तुम लोग जाओ और अपने लिए एक अच्छी सी जिंदगी दरियाफ्त करो।